किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। ये छोटी सी कहानी जिसने मुझे भेजी है वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, और उन्होंने मुझे बताया है कि एक बार गर्मी की दोपहरी में वो अपने मेडिकल स्टोर पर थे। नौकर दवाइयाँ निकाल निकाल कर फटाफट दे रहे थे। उनके मेडिकल स्टोर पर उस दिन बड़ी भीड़ थी, बड़े सारे कस्टमर्स आए हुए थे और ये फटाफट बिलिंग कर रहे थे, कस्टमर्स तक दवाइयाँ पहुँचा रहे थे। इनका जो रेगुलर काम था ये चल रहा था, तभी इन्हें उन कस्टमर्स की भीड़ में एक चेहरा दिखाई दिया जो उनके मेडिकल स्टोर की तरफ जो सड़क थी उसके पार एक पेड़ था उसके नीचे खड़ा हुआ था। वो चेहरा एक बुजुर्ग महिला का चेहरा था जो ऐसा लग रहा था दूर से देखने पर कि ये इनसे कुछ कहना चाह रही हूं। इन्हें अब उन कस्टमर्स के बीच में सिर्फ एक वही चेहरा दिखाई दे रहा था। इन्हें लग रहा था वो इनसे कुछ अपनी कहानी कहना चाह रही हैं, कुछ बात करना चाह रही हैं, लेकिन कह नहीं पा रही हैं। अब इन भाई साहब को लगा कि फटाफट से जाकर इन महिला से बात करनी है, अम्मा से बात करनी है। उन्होंने फटाफट नौकर की मदद करना स्टार्ट कर दिया, फटाफट से दवाइयां निकालते गए, बिल बनाते गए, कस्टमर्स को कम करते गए, उन तक दवाइयां पहुंचाते गए, भीड़ कम करते रहे। भीड़ कम होने लगी धीरे धीरे धीरे। दो चार कस्टमर्स बचे थे, इन्होंने अपने नौकर से कहा कि बेटे अब तुम देख लो, 5 मिनट में वापस आता हूँ। ये मेडिकल स्टोर से बाहर निकले, सड़क पार करके उस पेड़ तक पहुंचे जिसकी छांव में वो अम्मा जी खड़ी थी। उन्हें जाकर के बोला, माताजी प्रणाम, क्या बात हो गई है? ऐसा लग रहा था मुझे वहां दुकान में जब था कि आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रही हैं। आप दुकान तक भी नहीं आ रही थी, आपके पास पैसे नहीं हैं, मैं आप तक दवाई पहुंचा देता हूं, बताइए मैं किस तरह से आपकी मदद करूं। तो वो जो अम्मा थी उन्होंने कहा कि बेटे पैसे की कमी नहीं है, पैसे बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हारी दुकान पर इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, बड़े सारे लोग थे, मुझे लगा जब कोई नहीं रहेगा तब चली जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी दवाई है जो आप उनके सामने नहीं ले पा रही हैं, आप आ जाती, आप बता देती, मैं आप तक दवाई पहुँचा देता, आप परेशान क्यों हैं, आप इस तरफ क्यों खड़ी हैं। तो जो अम्मा थी उन्होंने फिर से कहा कि बेटा क्या बताऊं, कल शाम में मेरे बच्चों का कॉल आया, मेरे बच्चे ना बड़े शहर में रहते हैं और वो मुझे मिलने हर बार गर्मियों की छुट्टी में आते हैं। मेरे बेटे ने कॉल करके मुझे बोला कि मम्मी इस बार मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे घूमने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं और मैं इन सबको लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि इनकी छुट्टी बार बार नहीं आएगी, तो वेकेशंस में हम पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं और आपसे मिलने इस बार गर्मियों की छुट्टी में नहीं आ पाएंगे, वी आर सॉरी, मम्मा अगली बार पक्का आएंगे। और ऐसा बोल करके मेरे बच्चों ने कॉल कट कर दिया। और जब ये बोल रही थी वो माता जी तो उनकी आंख से आंसू टप 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 गिर रहे थे। ये भाई साहब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलूं इन्हें। तभी वो माता जी अचानक से संभली और बोली कि बेटा मुझे याद आ गया कि मुझे क्या चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि बताए बताइए कौन सी दवाई चाहिए, मैं फटाफट से आपको ला करके दे देता हूँ। तो उन अम्मा ने बोला कि बेटा क्या आपके मेडिकल स्टोर पर बच्चों को भूलने की दवाई है? मुझे मेरे बच्चों को भूलने की दवाई चाहिए। और ये बोल करके वो अम्मा जी वहाँ से चुपचाप चली गई। ये भाई साहब सुन्न हो गए, ये चुपचाप से अपने मेडिकल स्टोर पर चले गए और सोचने लगे कि ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि पेरेंट्स को बच्चों को भूलने की दवाई लेने के लिए किसी मेडिकल स्टोर पर जाना पड़े। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, अपने माता पिता की कदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो नहीं रहेंगे और आपको उनकी कमी महसूस होगी
और फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि उस कमी को कैसे फिल करें, कैसे उस कमी को पूरा करें, क्योंकि माता पिता का प्यार ऐसा प्यार होता है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि माता पिता के प्यार के साथ, माता पिता के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ भी बहुत मोटिवेशनल कॉन्टेंट पोस्ट करता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आपका लाइफ कोच विकास सैनी एंड मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।